हेलो दोस्तों, आज मैं एक 1985 में रिलीज हुई रोमांटिक और कॉमेडी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी मिस्चीफ। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक मैरिलिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सड़क से गुजर रही थी। तभी दो दोस्त वहाँ अपनी कार से गुजरते हैं। कार को जोनाथन ड्राइव कर रहा था, तभी उसकी नज़र मैरिलिन पर जाती है और उसे देखकर जोनाथन के अंदर की हवस जाग जाती है। और ऐसा पहली बार नहीं है। दरअसल जोनाथन और मैरिलिन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और जोनाथन सालों से उसे पसंद करता है, पर वो उसे पता नहीं पाया क्योंकि वो काफी शर्मीले किस्म का लड़का है। उसे देखने के चक्कर में जोनाथन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मैरिलिन कार के पास उनके मजे लेने आती है। तब भी जोनाथन मैरिलिन को हवस भरी आंखों से ही देखता है। फिर वहाँ से जोनाथन अपने घर में चला जाता है। घर में वो बारबल उठाता है और फिर एक मैगजीन देखने लगता है। वो उस मैगजीन को देखते हुए ही अपनी इमेजिनेशन में मैरिलिन के साथ एक डिबेट हो रहा था। उसके बाद जोनाथन के पड़ोस में जीन की एंट्री होती है। जीन जोनाथन से काफी अलग है। उसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है। वो जोनाथन के बिल्कुल अपोजिट नेचर का है, एक्सट्रोवर्ट टाइप। लड़कियों के बीच में वो कैसरोवा नाम से फेमस है। जोनाथन जब जीन को देखता है तो देखता ही रह जाता है। अपनी बाइक चलाते हुए जीन एक कार के सामने आ जाता है। कार में से एक कपल उतरते हैं। ये दोनों बनी और कैनी है। बनी और जीन की नजरें टकराती है। यहाँ ये सभी एक ही स्कूल के हैं। फिर जोनाथन जीन से मिलता है और उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है। जी समझ जाता है कि जोनाथन की प्रॉब्लम क्या है। वो काफी इंट्रोवर्ट है और इसीलिए उससे एक भी लड़की नहीं मिलती है। अब जीन धीरे धीरे जोनाथन को ट्रेन करना स्टार्ट करता है। वो उसे खड़े होना, कपड़े पहनने का स्टाइल सिखाता है। जब जोनाथन एक बार मैरिलिन से बात करने की कोशिश करता है, वो खड़ा खड़ा ही गिर जाता है। इस बार जीन से मोटिवेट होकर जोनाथन साइकिल लेकर निकलता है। इस बार वो मैरिलिन से बात कर ही रहेगा। उसकी साइकिल काफी तेज थी और तभी वो एक कार से टकरा जाता है। उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी। ये देखकर मैरिलिन उसके पास आती है और उसकी मदद करती है। वो जोनाथन के रुमाल से उसके मुंह को साफ करती है। तभी फिर से जोनाथन की हवस जाग जाती है। उसकी नजरें मैरिलिन के बूब्स पर पड़ती है और वो उन्हें दबा देता है। पर मैरिलिन भी उसे एंजॉय कर रही थी और वो दोनों फिर से मिलने का वादा करते हैं। वो ये सब बातें अपने दोस्त जीन के साथ शेयर करता है। वो कहता है कि अब उसकी गाड़ी निकल पड़ी है। उसके बाद जोनाथन और जीन एक मेले में जाते हैं जहाँ पर किसिंग बूथ लगा होता है। वहाँ पर एक व्हील को घुमाया जाएगा, फिर जो नंबर उसमें आएगा उसके हिसाब से कंटेस्टेंट को किस करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर मैरिलिन के साथ साथ उसकी दोस्त रसेल भी खड़ी थी। जोनाथन की बारी पर व्हील को घुमाया जाता है और उसे रसेल के साथ किस करने का मौका मिलता है। फिर दोनों किस करते हैं। दरअसल रसेल तो जोनाथन को पसंद करती है, पर जोनाथन को रसेल में इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो बस मैरिलिन चाहिए। फिर जीन व्हील घुमवाता है और उसे मैरिलिन के साथ किस करने का मौका मिलता है। दोनों को साथ में किस करते हुए देखकर जोनाथन को अच्छा नहीं लगता। वो बाद में जीन को ऐसा करने के लिए डांटता है। जीन कहता है कि इसमें वो क्या करे, वो ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। जोनाथन जीन से और पैसे मांगता है व्हील को स्पिन करने के लिए। क्या पता इस बार उसे मैरिलिन के साथ किस करने का मौका मिल जाए। पर जीन कहता है कि उसके पास अभी सिर्फ 50 सेंट्स ही बचे हैं, जिनमें वो सिर्फ एक ही बार व्हील को स्पिन कर सकता है। इसलिए वो खुद ही उस व्हील को स्पिन करता है और इस बार उसे बनी के साथ किस करने का मौका मिलता है। अब उन दोनों को किस करते देख मैरिलिन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब मैरिलिन जीन को पसंद करने लगी थी। फिर जब जोनाथन और जीन साथ होते हैं, मैरिलिन जीन से मिलने आती है और उससे डेट पर चलने के लिए पूछती है और जीन उसके लिए हाँ कर देता है। बाद में जोनाथन जीन को डांटता है, पर जीन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मैरिलिन को टच भी नहीं करूँगा, मैं तो बस बनी को पसंद करता हूँ। फिर अगले सैटरडे को ये सभी डेट पर जाते हैं। जीन के साथ मैरिलिन है और जोनाथन के साथ बनी। जब बनी का बॉयफ्रेंड ये सब देखता है तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर बनी के बॉयफ्रेंड कैरी और जीन के बीच में लड़ाई होती है और फिर दोनों के बीच में कार रेस होती है, जिसमें वो अपनी अपनी कार की हालत खराब कर देते हैं। जब जीन के डैड को ये सब पता चलता है तो वो उसे बहुत डांटते हैं, मारते हैं और उसे घर में बंद कर देते हैं। फिर जोनाथन जीन के घर उसे मनाने जाता है, जिससे अब उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और दोनों साथ में ड्रिंक करके ड्राइव पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस मिलती है।
नशे में ड्राइव करते हुए वो झाड़ियों में गिर जाते हैं। पुलिस उन्हें पैदल ही घर जाने की सजा देती है। रास्ते में उन्हें कैरी की शॉप दिखती है। वो वहाँ रखी डमीज को ऐसे रख देते हैं जैसे वो इंटीमेट हो रहे हो। चौरे धन वहाँ से एक डमी अपने घर ले आता है और उसके साथ रात भर सोता है। अगले दिन कैरी की शॉप के सामने लोकल लोगों की भीड़ लगी थी। अब कैरी का मजाक बन चुका था। वही जोनाथन ने अभी भी मैरिलिन को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो उसे कॉल करता है और उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए मैरिलिन मान जाती है। अब मैरिलिन और जोनाथन के बीच बात बनने लगी थी। जी और बनी भी एक दूसरे से मिलते रहते थे और वो लोग अक्सर साथ में डेट पर जाया करते थे, कभी घुड़सवारी करने जाया करते थे और किस वगैरह तो उनके लिए आम हो चुकी थी। एक दिन जोनाथन और मैरिलिन कार में एक साथ किस कर रहे थे। जोनाथन मैरिलिन के कपड़े उतारने की कोशिश करता है पर वो ऐसा करने से मना करती है। जोनाथन कहता है कि अब वो 17 साल का हो चुका है और अभी तक वर्जिन है। फिर वो दोनों इंटीमेट होने की शुरुआत करते हैं पर तभी कार का गेट खुल जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जी और बनी उन्हें देख रहे थे, ये देखकर वो हंसने लगते हैं। जब जोनाथन मैरिलिन को घर छोड़ने जाता है वो उससे गुस्सा थी। वो घर के अंदर जाती है पर थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो जोनाथन से कहती है कि इस वीकेंड पर उसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे हैं, तो अगर वो आना चाहे तो उसके घर आ सकता है। फिर वीकेंड पर जोनाथन बढ़िया सज धज के मैरिलिन के घर के लिए निकलता है। रास्ते में उसे जीन मिलता है। जीन देखता है कि अब जोनाथन की चाल बदल चुकी है। फिर जोनाथन मैरिलिन के घर आ जाता है। पहले वो किस करते हैं और फिर वो एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू करते हैं और फिर वो इंटीमेट होना शुरू करते हैं। तभी मैरिलिन का डॉग वहाँ आ जाता है पर वो उसे वहाँ से भगा देती है। इंटीमेट होने के बाद मैरिलिन जोनाथन पर गुस्सा होती है कि उसने प्रिकॉशंस नहीं लिए। तभी वहाँ मैरिलिन के पेरेंट्स आ जाते हैं। जोनाथन जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते हुए उसकी पैंट उतर जाती है। मैरिलिन की मॉम उसे देख लेती है पर कैसे न कैसे जोनाथन वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद जोनाथन और मैरिलिन के बीच में लड़ाई हो जाती है। जोनाथन को लगता है कि मैरिलिन काफी सेल्फिश है और वो उसकी केयर नहीं करती, इसलिए उनका ब्रेकअप हो जाता है। वही जीन बनी से नाराज था क्योंकि उसे लगता है कि बनी अभी भी कैनी को जीन से ज्यादा पसंद करती है। प्रॉम नाइट में भी बनी कैनी के साथ ही डांस करती है। ये देखकर जीन को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। बनी उसे बुलाने जाती है पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। जोनाथन जीन से कहता है कि बनी सिर्फ उसे ही प्यार करती है। फिर अगले दिन सुबह जोनाथन बनी को बाइक से जीन के पास लेकर आता है। जीन अभी भी वही लेटा हुआ था। बनी को अपने पास देखकर जीन काफी हैरान था। फिर वो साथ में वॉक करते हैं और किस करके अपनी गलत फहमी को दूर करते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों वहाँ से भाग जाएंगे और वो जोनाथन को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो उनके पेरेंट्स को ये बताए कि वो दोनों भाग चुके हैं। जोनाथन बनी के फादर के पास जाकर उनसे कहता है कि आपकी बेटी बनी मेरे दोस्त जीन के साथ भाग गई है, पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जब जोनाथन स्टोर के सामने जाता है तो कैनी उसे धमकी देता है कि अपने दोस्त जीन से कहो कि बनी से दूर रहे, नहीं तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। ये सुनकर जोनाथन को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपनी कार से कैनी की कार को ठोक देता है, जिसके बाद दोनों के बीच में खतरनाक रेसिंग शुरू हो जाती है जिसमें कैनी जोनाथन से हार जाता है। फिर वही रसेल आ जाती है। उसे देखकर जोनाथन उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है। रसेल डेट पर चलने के लिए तुरंत ही हाँ कर देती है। जोनाथन समझ जाता है कि रसेल ही उससे सच्चा प्यार करती है। मैरिलिन तो उसके लिए बस एक अट्रैक्शन थी। और यही मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।